Assalamualaikum. Welcome to my channel, IRFAN CH and If. I am IRFAN CH. बोले शाह साहब क्या कहते हैं, बुल्ले नु समझान आया बहना ते भाभियां। क्यों समझाने के लिए आई हैं? वो कहती हैं कि भाई अब शाजी अब सैयद हो, आप अराई हो, अराई ना को अपने आप को। लेकिन क्या होता है, वो बोले शाह साहब का जो मुर्शद होता है वो अराई होता है। वो बोले शाह साहब क्या कहते हैं, नहीं मेरा मुर्शद अराई है, इससे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन मैं हूँ क्या चीज़ अंदर से और मैंने बनना क्या है, इस चीज़ों से फर्क पड़ रहा होता है। इस वजह से वो कहते हैं कि जो यानी कि मुझे वो सैयद आखेंगे ना वो काफ़ुस हो जाएंगे, लेकिन जो मुझे राई आखेंगे वो उनका पल्ला भारी हो जाएगा, वो कामयाब हो जाएंगे, निकल जाएंगे। वो बोले शाह साहब की तो शायरी की थोड़ी, ये बताने का मकसद क्या था, ये बताने का मकसद ये था, देखें इंसान बिल्टअप हो रहा होता है, वालदैन बच्चों के लिए परेशान हो रहे होते हैं, और जो बच्चे होते हैं कहते हैं वालदैन को हमारे समझ नहीं आती, क्योंकि वो ओल्ड एज के हैं, पुरानी उम्रों के हैं, अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, न्यू दौर आ गया है, हमें समझ नहीं आती इस चीज़ की। लेकिन क्या होता है, हमने ये देखना है कि देखिए हम अगर बचपन में हैं या हम बड़े हो गए हैं, हमें बच्चों की तरबियत करनी है, जो भी करना है सारा लिंक्ड हो रहा है इसी से। अब छोटा सा अगर बच्चे से मैं बात करूँ, छोटे से बच्चे को जब हम बचपन से ही मौलाना रूम के बारे में बताएंगे, इलामा इकबाल साहब के बारे में बताएंगे, अबू अली सीना के बारे में बताएंगे, इन्वेंशंस की हुई हैं जिन्होंने उनके बारे में बताएंगे, जब हम स्टोरीज उन्हें बिल्कुल एक लेवल पे लेके जा रहे होंगे ना, खुद ब खुद उनकी तरबियत होती रहेगी, उनमें कुछ ना कुछ शौक डेवलप हो जाएगा कि यार अगर इतने लोग हैं वो आगे कुछ ना कुछ बन जाते हैं, तो मैंने इनमें से कौन सा राइट पाथ सेलेक्ट करना है और किस राइट पाथ पे जाना है, ना कि हमने उन्हें मोबाइल दे देने हैं कि ये लो बस अब मेरी जान छोड़ गई, आप इसी पे वीडियो देख रहे हो, नहीं बल्कि उनकी खुद तरबियत कर दी है। देखिए बच्चा जब छोटा होता है क्यों कुरान पाक जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसे जो कुछ अभी सिखा रहे होते हैं उसका माइंड जल्दी पिकअप कर रहा होता है, रिवीजन कर रहा होता है। देखिए आपने कुछ भी याद करना, बार बार उसे रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, तो आपके माइंड में बैठ जाएगा वो रिवीजन से। जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम कहते हैं हमें ये करना वो करना वो करना, आखिर में मौत है। इस वजह से ना ये देखें आप इस चीज़ को आप समझेंगे, बच्चों को हमने शुरू से बिल्टअप कर रहे हैं, ठीक है मेरे वालदे ने मुझ पर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे वालदे ने मुझ पर इतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपना सोचा वगैरह वगैरह किस पे कहते रहते हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने आप का लेवल सेट करना है, हम बिल्कुल गिरे हुए लेवल के हैं, हमारा कोई लेवल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं जब हमने कुछ बनना है लेवल बनाना पड़ेगा हमें, सिंपल सी बात है। लेवल किस तरह, लेवल कुछ सेट करना पड़ेगा हमें, पता हो गया यार इंशाल्लाह ताला अभी से मैंने सेट होना है। दिन कब स्टार्ट होता है, सूरज जब निकल आता है मैंने उठ जाना है, नमाज वगैरह पढ़नी है। देखिए जब नमाज मैंने पढ़ लेनी है, कुरान पाक पढ़ना है, कुरान पाक पढ़ने के बाद मेरी बेस्ट वे क्या है, मैंने कौन सा काम करना है, कौन सा आइडिया सोचना है, उसको मेरा माइंड अच्छा चल रहा होता है, तो मैंने कॉन्स्टेंट कैसे होना है, इससे लेके यानी कि नमाज पढ़ने के बाद से लेके 12 बजे तक मैंने कॉन्स्टेंट कैसे होना है, उस वक्त मुझे थकावट फील ना हो, मैं रिलैक्स फील करूँ, मैंने एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है, कब हो रहा था, जब आप सोच रहे हैं अपना लेवल, अब आप खुद सेट कर रहे हैं, आपको किसी ट्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी मोटिवेशन खुद बननी पड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, आप सब सब कुछ खुद हैं आप, फिर आप कुछ ना कुछ बनेंगे। इसी तरह जब देखिए ना, आपने जब एक दिन दो दिन मिनिमम भी ना 20-21 दिन के अंदर अंदर आपकी बिल्कुल लेवल सेट हो चुका होगा, आप मैक्सिमम लेवल सेट हो चुका होगा कि आपने ये काम करना है, तो अब आपको आपको बेहतर पता है कि आपने कौन सा काम करना है, आप आपके पास शौक किस में है, इनके साथ आप पायलट बन जाए, आप इंजीनियर नहीं, बल्कि आप अपना सोच किस, आप आपकी सोच किस किस तरफ जा रही है और आप खुद क्या करना चाहते हैं, आप वो लें, आप कॉपी पेंसिल लें, आप रोज़ की तरकीब लिखें, आप क्यों ना रात को जब सोने से पहले लिखें आपने क्या क्या गुनाह किया है और कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया है, और आप ये ज़रूर उसमें शेड्यूल में सबसे पहले लिखें बड़ा सा लिख के मोबाइल, मोबाइल आपने किस किस वक्त यूज़ किया और किस किस पर्पस के लिए यूज़ किया है, व्हाई यू यूज़ द मोबाइल, मोबाइल यूज़ किया है इसका कुछ फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ, इस चीज़ को आप लाजमी अपने आप देखें, आप इस चीज़ को लाजमी देखें, आप इस चीज़ को सोचें। देखिए ना जो भी लोग अभी भी आजकल के दौर में भी तो लोग कर रहे हैं, आगे लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, सोच डेवलप हो रही है और कैमरे के आगे आ रहे हैं लोग, बिहाइंड द कैमरा वर्क कर रहे हैं, हर जगह पे वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन कौन बेहतरीन वर्क कौन कर रहा है उनमें, अपना टाइम टेबल सेट